वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस ये है हमारे पास मेरा ट्राइपॉड और इसको मैं तकरीबन 2 या 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोस आपको बनाता हूँ ना कि मैं कौन कौन से गैजेट यूज़ करता हूँ, तो आज की वीडियो इसी ट्राइपॉड के ऊपर है। और गाइस पर्सनली मुझे ये ट्राइपॉड बहुत अच्छा लगा। जैसे आप देख रहे होंगे, देखने में आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, तो एक्चुअल में छोटा नहीं है। इसकी जो हाइट है पूरा खोलने के बाद ये 5 फीट के आसपास जाता है। और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉपुलर ऐप के बारे में बताता हूँ जिससे आप घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हो, जिसका नाम है टेक्सॉल ऐप। बहुत इजी है इसको यूज़ करना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्पल के लिए भी है और एंड्रॉयड के लिए भी है। और गाइज इसकी खास बात यह है कि इससे आप 9 टाइम्स पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे 10 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप 90 रुपीज़ तक कमा सकते हो। और इसमें मिनिमम रिडीम करने का जो अमाउंट है वो है 200 रुपीज़। आप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको टेक्सॉल अकाउंट में 200 रुपीज़ होते हैं तो आप डायरेक्टली इसको बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये वर्चुअल मनी से डायरेक्ट आपके वॉलेट में या आपके बैंक में आ सकता है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। गाइज इस ऐप में आपको करना क्या है, तो गाइज इस ऐप में आपको प्रिडिक्ट करना है। आप यहाँ पे बहुत सारी आपको क्वेरीज मिलेंगी, वहाँ पे अपना प्रिडिक्शन लगाना है, अपनी दिमाग लगानी है, अपने स्किल को लगाना है, प्रिडिक्ट करना है, फिर वहां से आप पैसे जीत सकते हो। जैसे आप प्रिडिक्ट करोगे, यहाँ पे आप कॉइन्स लगाओगे, उसको आप इन्वेस्ट करोगे प्रिडिक्शन में, और वहां से प्रिडिक्ट करके आप अगर जीतते हो तो आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो, वो भी 9 गुना, मतलब 10 का 90 हो सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है टेक्सॉल ऐप। और गाइज ये है सिंपेक्स की तरफ से VCT691RM, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइज ये ट्राइपॉड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी 2 साल या 2.5 साल का जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। इसको मैं बहुत रफ एंड टफ यूज करता हूँ, जैसे आप देख सकते हो काफी गंदा है ये पूरा, जो इसका ये स्टैंड का ये जो बॉल है ये गंदा हो गया पूरा, क्योंकि अगर बाहर वीडियो रिकॉर्ड करना है, बाइक का रिव्यूज करता हूँ मेन चैनल पे, तो हर जगह यूज होता है, या ग्राउंड पे लगा दो, हर जगह मैं इसको यूज करता हूँ। बहुत इजी टू यूज है और पूरा खुल जाता है। दूसरी बात ये कि कॉम्पैक्ट है। तो अगर ये बताऊं आपको, मेरे जो लैपटॉप वाला बैग होता है ना, उसको उसमें भी मैं साइड में इसको रख लेता हूं, तो बहुत पोर्टेबल है। इसके अलावा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस। जैसे कि बोलूं तो ये 3 स्टेप में एडजस्ट होता है, आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो और एक स्टेप ये, तो हाँ इतना बड़ा खुलता है। उसके अलावा जो ऊपर का ये हेड है ये देख सकते हो, ये भी ओपन होता है। तो हाँ टोटल हाइट मैंने आपको बताई 5 फीट के आसपास है। और गाइस इसको खरीदने के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको खरीद भी सकते हो, बहुत अच्छी डील में मिल जाएगा, अराउंड 2000 के अंदर ही आता है ये। और हाँ, इसमें अगर आपको वी रोल्स बनाने हैं ना, जैसे आप अगर मोबाइल के रिव्यू करते हो या कुछ भी रिव्यूज़ वगैरह करते हो, तो वी रोल बहुत अच्छे आते हैं। जैसे आप देखो इसका जो ये हेड है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो 2 साल पुराना है, फिर भी देखो कितना स्मूथली ये वर्क करता है, बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मतलब आप कहीं से भी छोटा सा भी आपको जर्क नहीं फील होगा, चाहे आप इसको ऊपर करो चाहे नीचे करो। ये ऊपर वाली यहाँ पे देखो, ये हेड जो है ये वाइट कलर के यहाँ पे डॉटेड ये लाइन बनी होंगी, तो ये पूरा बहुत अच्छे से एडजस्ट होता है। आपको अगर ऐसे पूरा वी रोल बनाना है इसको रख के, तो बना सकते हो। तो आपको अगर एक अच्छी क्वालिटी का ट्राइपॉड चाहिए ना कम पैसे में 2000 के अंदर, तो इससे बेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। और इसको मैं अपने DSLR के साथ यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे मेरा DSLR का पूरा माउंट होता है, और इसको मैं अगर पूरा आपको खोल के दिखाता हूँ, अभी मैं इसको अगर यहाँ पे रखूँ जैसे, तो ये आप देख सकते हो, इसको मैं पूरा ऊपर तक कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हो, ये टोटल जो इसकी हाइट है वो आप देख सकते हो, इतनी हाइट है मेरे से, इतनी हाइट है। और ये जो इसका बॉल है, जैसे कि मैंने आपको बताया वी रोल बनाने के लिए, एक नंबर है भाई, परफेक्ट तरीके से काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैमरा लगाना हुआ, मुझे किसी चीज़ का क्लोजअप शॉट लेना है या कुछ भी पूरा अच्छे से एक सिनेमैटिक शॉट लेना है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे शॉट ले सकता हूँ, यहाँ से ऐसे पूरा घुमा के, इसको यहाँ से लूज़ हो जाएगा, आप टाइट कर सकते हो। अगर आपने मान लो बिल्कुल स्टेबल करना है तो लगा के इसको आप टाइट कर दो, तो मतलब जो भी है ना बहुत सही तरीके से काम करता है। और जैसे कि लॉन्ग टर्म रिव्यू है, लगभग 2 साल से ऊपर के हो गए, तो अभी भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है। जैसे बॉल है तो बहुत लोगों का होता है ना कि भाई अगर आप लोकल ट्राइपॉड लोगे तो ये बॉल ख़राब हो जाता है कुछ टाइम बाद, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। आज भी देखो कितना स्मूथ है, मतलब थोड़ा सा भी आपको कहीं भी जर्क नहीं लगेगा, ऐसे ही आप अगर इसको ऊपर नीचे करते हो तो। यहाँ पे देख सकते हो जो ये प्लेन सरफेस डिटेक्ट करने का ये जो लिक्विड है वो भी अभी सही से काम कर रहा है, मतलब कुछ भी अभी दिक्कत नहीं हुई। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही रहा तो अभी 2 साल के अभी 4-5 साल भी ये चलेगा, क्योंकि मैं बहुत रफ यूज़ करता हूँ, उसके बाद जब ख़राब नहीं हुआ तो फिर मतलब ख़राब नहीं होने वाला। यहाँ से भी अभी आप इसको लॉक कर सकते हो, मान लो आपने इसको ऐसे लॉक कर दोगे ना, जैसे अभी अनलॉक है तो ऊपर नीचे हो रहा है, इसको अगर मैं लॉक कर दूंगा तो ये ऊपर नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो अभी मैं
फिर से बंद कर देता हूँ इसको। ट्राइपॉड के साथ एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। और गाइस अभी जो ये मेरा कैमरा है वो मेरे एक वो जो वो वाले ट्राइपॉड आता है ना गोरिल्ला पॉड उस पर है, तो थोड़ा बहुत हिल सकता है क्योंकि रखा नहीं हुआ है। बाकी अभी जो इसका फीडबैक है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हो, मल्टीपर्पज़ यूज़ करने के लिए ले सकते हो। हाँ, ब्लॉगिंग के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे आप पकड़ के इसको यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ अगर इनडोर है या आउटडोर शूटिंग करते हो तो बेस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खरीद सकते हो। सिंपेक्स का है, मॉडल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो वहाँ से ले सकते हो। अभी भी बहुत सही तरीके से वर्क करता है। और हाँ, अगर आपके पास है एक पहले से ही, आपने कभी यूज़ किया है, तो आपको कुछ अगर फीडबैक हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। बस बताओ वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।